के लिए किए गए लॉकडाउन में बंद किए गए धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया है। आज सुबह सुबह मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे। भदोही जिले में भी धार्मिक स्थलों के खोले जाने से श्रद्धालुओं में हर्ष का माहौल है। आज सुबह सुबह ज्ञानपुर में स्थित प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। हालांकि श्रद्धालुओं की सुबह सुबह संख्या काफी कम रही। श्रद्धालु और मंदिर व्यवस्थापक इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि दर्शन पूजन के दौरान किसी से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न होने पाए। इस बारे में जिला प्रशासन द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा और वहां सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करना अनिवार्य रहेगा। इसमें तो है नहीं, है नहीं ना, और वो आगे वाले वो बजा नहीं जा रहा, रोक दिया जा रहा है। ये बधा हुआ है, लोग देखते हैं, कोई नहीं छू रहा, प्रयास कर रहे हैं उसको भी तार से बंधवा देते हैं। जो लाके वैसे ही अपना रख रहा है, रख दे रहा है। व्यवस्था यही है, सही टाइम करने के लिए वहाँ गेट के सामने उधर रखा गया है। जो भी आए मंदिर में, मंदिर प्रांगण के अंदर कम से कम 5 लोगों से ज़्यादा नहीं आना सबसे पहले। आज दर्शन करने आए हैं, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि आज शुद्ध वातावरण में एक तरीके से महसूस हो रहा है कि अच्छी जगह हो गए। काफ़ी दिनों बाद कम 3 महीने हो गए मंदिर परपस खुला है। 3 महीने बाद हम लोगों को बहुत लालसा से दर्शन करने के लिए, और यहाँ के प्रशासनिक जो जिलाधिकारी महोदय है बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ मंदिर के पुजारी जो है लॉकडाउन का बहुत अच्छे ढंग से पालन करा रहे हैं, बिना मास्क का किसी को दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सॉर न्यूज इंडिया। सॉर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।